हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 28 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में हुए चुनावों में किस हिंदू नेता ने जर्नल सीट पर चुनाव जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, पाकिस्तान के चुनाव में डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने जर्नल सीट पर चुनाव जीता है और यह ऐसा करने वाले पहले हिंदू नेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीपी नल फेनोटाइप नामक एक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल ने एक रेयर ब्लड ग्रुप का पता लगाया। इस ब्लड ग्रुप का नाम पीपी नल या पी नल फेनोटाइप है। डॉक्टरों का कहना है कि यह देश का पहला और अभी तक का इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पीपी ब्लड ग्रुप पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दिन सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण शुरू हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, 27 जुलाई को। 27 जुलाई को रात को 11:54 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ था। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण चरण रात को 1 बजे आरंभ हुआ और 2:43 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ। इसके बाद अंतिम चरण में आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह 3:49 पर समाप्त हुआ और चंद्रमा जैसे जैसे पृथ्वी की ओट में आता रहा उसका रंग लाल होता रहा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड मून क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए सूर्य की कुछ रोशनी चांद पर पड़ती है, जिसके कारण चांद का रंग हल्का लाल हो जाता है और यह तांबे के रंग की तरह दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। वही पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब तीनों यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा पर आ जाते हैं। इस दौरान सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपरिवर्तित होती है, जिसके कारण चांद हल्के भूरे और लाल रंग के साथ चमक ले लेता है। दरअसल सूर्य के प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंग पारदर्शी वातावरण में बिखर जाते हैं, लेकिन लाल रंग के साथ ऐसा नहीं हो पाता। वातावरण में पूरी तरह बिखर पाने में असमर्थ होने की वजह से चांद तक लाल रंग पहुंच जाता है और चांद का रंग सफ़ेद नहीं बल्कि हल्के भूरे व लाल रंग का नजर आता है और चांद के इसी रंग की वजह से इसे ब्लड मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इस सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और हाल ही में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है और यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सदन से मानव तस्करी निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पारित हुआ? तो इसमें आंसर आएगा, लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के तस्करी 2018 पुनर्वास निधि की प्रारंभ राशि कितनी है? देश में व्यक्तियों खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने वाले और पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने वाले प्रावधान वाले व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी और पहली बार 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक राशि पुनर्वास निधि के तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अभूतपूर्व समाजसेवी कार्य के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया? तो इसमें आंसर आएगा, सोनम वांगचुक को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की लिस्ट में इस बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया है, एक भरत वाटवानी और दूसरा सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान दिया है और वहीं लद्दाख में सूखे की समस्या से निपटने के लिए
आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार कर दिया ताकि पानी की कमी हो तो लोगों को आसानी से पानी मिल सके। और वहीं भरत वाटवानी एक मनोवैज्ञानिक है जो सड़कों पर रहने वाले गरीब मनोरोगियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, और इसलिए इन दोनों को इस बार के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 विजेता सोनम वांगचुक निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं? तो इसमें आंसर आएगा ऑपरेशन नई आशा या ऑपरेशन न्यू होप। सोनम वांगचुक को आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति की रचनात्मक उपयोग करते हुए लद्दाखी युवाओं की जिंदगी सुधारने के लिए जाना जाता है। फिल्म थ्री इडियट में आमिर खान का किरदार भी सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, और इसे प्राय एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए एशिया का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर एफसी के खिलाड़ी बीवीबी बोरोशिया डॉर्टमंड क्लब में प्रशिक्षण लेने किस देश में जाएंगे? तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर कब तक की कर दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा 31 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आशावादी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आंसर आएगा आशावादी सूचकांक में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत की पोषण चुनौतियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका पहला पॉइंट है, इस बार इसके लिए दो भारतीयों को चुना गया है। नेक्स्ट है, इस साल के पुरस्कार के लिए कुल 6 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट है, भरत वाटवानी को इसके लिए चुना गया। नेक्स्ट, सोनम वांगचुक को इसके लिए चुना गया। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी सही है, और भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक भारत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, इस पुस्तक के लेखक है करण थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा बिल 2018 को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, इसके तहत दोषी को 10 साल का कठोर कारावास व 1 लाख का जुर्माना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके तहत राष्ट्रीय तस्कर रोधी ब्यूरो का गठन किया जाएगा। तो इसमें आपके ये दोनों पॉइंट सही हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया यूके की 6ठी विज्ञान और इनोवेशन काउंसिल कहाँ संपन्न हुई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक है? तो इसमें आंसर आएगा, अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं आर रमनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो इसमें आंसर आएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधानसभा में से किस राज्य ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018 को पास किया? तो इसमें आंसर आएगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 26 जुलाई 2018 को नया लोकायुक्त विधेयक पारित किया। इस विधेयक में राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के प्रभाव से बाहर रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने बाघ संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कितनी रकम दी है? तो इसमें आंसर आएगा 124 करोड़ रुपये। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल आरंभ किया जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस है केरल, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस राज्य में संचार क्रांति नामक योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और गुजरात। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।